नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी, नानकना मशीनरी एंड अनमोल मशीनरी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube में चैनल है, आप नई नई वीडियो उसमें देखते रहते हैं। अभी मैं आपको एक नया बिजनेस और जो नई वीडियो डालने वाले हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ नए बिजनेस के बारे में। आप इसको छोटी सी जगह में, घर में या कहीं भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे पास हर टाइप के बिजनेस की मशीन है, बहुत सारे बिजनेस की टाइप की हमारी मशीनें हैं और हमारे पास मशीनों की पूरी खान है बड़ी, मतलब हमारे पास एग्जीबिशन है पूरी। आप आके हमारी एग्जीबिशन भी देख सकते हो। ये देखो हमारी मशीनरियों की एग्जीबिशन लगा हुआ है। कई कस्टमर आते हैं इधर, देखते हैं, देख के मशीन जो पसंद आती है, जो बिजनेस आपने करना होता है वो मशीन लेके जाते हैं। वो सेट जो मशीन का सेट होता है, ये देखिए, ये जो बारबेड वायर की मशीन है, ये पॉलिशिंग ड्रम है, ग्राइंडर है, ये किल वाली मशीनें हैं, ये किल वाली है, ये 3 इंची 4 इंची SN4 SN3, ये SN2, मतलब ऐसे हर टाइप की हमारे पास मशीनें हैं। ये स्क्रू बनाने वाली है, ये स्क्रू बनाने वाली ऐसे 5 mm 2 इंची तक है, 1.5 इंची 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची तक स्क्रू इसमें सभी बन जाते हैं। ये चूड़ी डालने वाली मशीन है, ये स्क्रू बन के इसमें हेड बनता है, इसमें चूड़ी डलती है। ये पूरा सेटअप 4 मशीन का सेटअप है। ये एक हेडर लगेगा, एक रोल थ्रेड लगेगी, एक पॉलिशिंग ड्रम, एक ग्राइंडर, 4 मशीन का सेटअप है पूरा। ये हेडर 2 भी लगा सकते हैं, प्रोडक्शन डबल हो जाती है। हेडर जैसे 2 लगा लोगे आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। हमारे पास दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है, आपने जेकर सब्सक्राइबर नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइबर ज़रूर करें, क्योंकि नई नई वीडियो जो हम डालते हैं वो आपको मतलब पता, नए नए बिजनेस का आपको पता चलेगा। और जेकर आप और भी दूसरों को बता सकते हैं कि यहाँ हमारे अमृतसर में फोकल पॉइंट 52 प्लॉट नंबर में नानकना मशीनरी, सुखराज मशीनरी में बहुत टाइप की मशीनें मिल जाती है यहाँ पर, हर टाइप की। जैसे नोटबुक वाली मशीन है, A4 की मशीन है, कॉपी बनाने वाली A4 की, नैपकिन पेपर, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट रोल जो आते हैं, स्क्रू वाली, बारबेड वायर वाली, स्लीपर मेकिंग और बहुत सारी ऐसी मशीनें जो हैं हमारे पास मिल जाती है, रेडी भी मिल जाती है। और बुकिंग कराओ तो बुकिंग कंपनी का अकाउंट नंबर है हमारा, उस कंपनी के अकाउंट नंबर में बुकिंग कराओ तो 10-15 दिन में रेडी हो जाती है मशीनें। जो ऑर्डर करें वो मशीनें मिल जाती हैं। आप कहीं दूर से भी मशीन मंगवाना चाहो तो उधर बुकिंग करा सकते हो, बैलेंस पेमेंट डिलीवरी टाइम करना है और पेमेंट करो, मशीन हम ट्रांसपोर्ट में बुक करा देते हैं, मशीन आपके घर तक पहुंच जाती है, हमारा इंजीनियर जाएगा मशीन इंस्टॉल करके, पूरी आपको ट्रेनिंग भी दे देते हैं वहाँ जाकर। मैं अभी आपको पहले स्क्रू वाली मशीन के बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूँ, जानना पा रहा हूँ आपको कि कैसे स्क्रू बनता है। ये देखिए, ये इसका वायर रोल स्टैंड है, ये वायर रोल स्टैंड जो है इसके सामने इधर आता है, यहाँ रखना है, इसके ऊपर मतलब वायर रोल लगता है, इसके ऊपर इधर से वायर जाएगी, इसके अंदर वायर जाके इसमें जाके हेड बनता है। इसमें ये हेडर मशीन है, इसमें हेड बनेगा। जैसे ये देखिए, ये ऐसे वाले स्क्रू बन जाते हैं, ऐसा पहले 4 हेड स्क्रू है, जिप्सन स्क्रू, ऐसा हेड बन जाता है ऐसा। ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा भी बन जाता है ऐसे, ये ऐसे पहले बनेगा ऐसे, फिर चूड़ी डलेगी, ऐसे वाला इसमें हेड बनेगा ये, फिर इसके बाद में चूड़ी दूसरी मशीन में डलती है। ये देखिए, ये वाला है, इसका ये वाला हेड बन गया, ये वाला लंबे वाला स्क्रू है, ये ऐसे बड़ा छोटा सभी, ये छोटे साइज का। जैसे ये जिंक हुआ है, मतलब ब्लैक, मतलब ये ब्लैक है, ब्लैक वाला है, ये देखिए, ये वाला गोल्डन है, ये वाला कलर, ऐसे हर टाइप का मतलब स्क्रू बन जाता है। ऐसे मशीन स्क्रू भी बन जाता है, इसमें जिप्सन स्क्रू और मशीनी स्क्रू भी बन जाता है, ठीक है जी। ऐसे ये देखिए, बड़ी हाफ थ्रेड भी बन जाता है, ये फुल थ्रेड था वो, ये हाफ थ्रेड है, हाफ थ्रेड भी बन जाता है ये बड़े वाला। और ये वाला भी जैसे सेल्फ स्क्रू है, मतलब स्क्रू सेल्फ वाला, ये भी बन जाता है। ये इन मशीनों में से थोड़ी हैवी मशीन होती है वो लगती है, एक हेडर लगेगा, एक रोल थ्रेड लगती है और एक इसमें बिट पंच करने वाला वो मशीन लगती है। इसमें 5 मशीन का सेटअप है, इसमें वैसे स्क्रू वाली में 4 का है, इसका 5 का सेटअप है। ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ये भी लगा सकते हैं, ये लेना हो तो ये भी, मतलब ये स्क्रू ये वाला है सेल्फ स्क्रू जो ऊपर चादर के ऊपर टीन के ऊपर लगता है, ये भी लगा सकते हो आप। इसमें हर टाइप का स्क्रू बना सकते हो, इसमें डाई चेंज करना है आपने, इसमें मशीन स्क्रू या मशीन स्क्रू
या जिप्सन स्क्रू हर टाइप का कोई भी जड़ा है आपका कैसी भी टाइप का हो डाई चेंज करना वही टाइप का बन जाएगा क्योंकि वायर जाना है इसने स्टोक जो मारनी है वैसा ही हेड बन जाना है। मशीन स्क्रू हो मतलब ड्राइवल हो या कुछ और टाइप का जैसा भी आप चाहो वैसा बन सकता है। ये मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे इसमें हेड बन जाता है। हेड बनने के बाद फिर दूसरी मशीन में चूड़ी बनेगी। इसमें इस मशीन की जो हेडर वाली है इसकी वर्किंग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पूरी समझ लग जाएगी। जो जो मशीन मैं दिखाऊंगा उसकी वर्किंग वीडियो नाल नाल मैं दिखाता जाऊंगा आपको। ये जैसे हेडर मशीन है इसकी वर्किंग वीडियो नाल साथ में अभी दिखाऊंगा। इसके बाद में अभी मैं आपको चूड़ी वाली मशीन दिखाता हूं, उसकी भी वर्किंग वीडियो उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ये आपको जो स्क्रू वाली ये चूड़ी डालने वाली मशीन है मैं अभी वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अभी ये आइए ये देखिए ये हेडर मशीन है, ये भी हेडर मशीन है, ये चूड़ी डालने वाली मशीन है। ये देखिए ये इसमें जितना भी उधर मतलब माल बनेगा इसके अंदर आपने डाल देना है। ये वाइब्रेटर सिस्टम है, ये लेटेस्ट तकनीक है, ये नई तकनीक का हमने वाइब्रेटर लगाते हैं, ये लेटेस्ट तकनीक है क्योंकि इसके साथ आदमी इधर खड़ा नहीं करना पाता, इधर सेंसर लगा हुआ है। ये देखिए इसके नाल साथ में ये वाइब्रेटर सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक चालू होएगा, वाइब्रेटर से अपने आप घूम घूम के ये पूरा इधर से आके अपने आप स्क्रू इधर आता जाएगा। ये इधर सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, इधर आदमी खड़ा करने की लोड़ नहीं है। जब ये भर जाती है पूरी लाइन ये अपने आप ऑटो कट कर देता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक इधर आके चूड़ी डलती जाती है। मैं इसकी अभी आपको वर्किंग वीडियो दिखाऊंगा। और ऐसे ये देखो ये हाफ थ्रेड डला है, ये हाफ थ्रेड इसमें स्क्रू बन गया, मशीन स्क्रू कुछ भी बना सकते हो आप। ये देखिए ये वाले स्क्रू ऐसे भी जो मशीन स्क्रू है जिप्सन स्क्रू है ऐसे सभी में चूड़ी डल जाती है। इसमें चूड़ी ये चूड़ी डालने वाली मशीन है, ठीक है। मैं आपको इसका वर्किंग वीडियो अभी इसका भी दिखा सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अभी। इसके बाद में वर्किंग वीडियो आप ये देखो और मेरी वीडियो पूरी आप एंड तक देखोगे ना, एंड तक देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। जो हमारी वीडियो होती है पूरा एंड तक देखो और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें। और ये मेरी वीडियो आगे चैनलों में आगे जो आपका
कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर करो, क्योंकि दूसरों को भी कहीं का भला हो, उसको भी पता लगे, जो बेरोजगार है उनको बिजनेस मिले। आगे आगे मेरी वीडियो शेयर भी करते रहा करो, जो हमारी वीडियो हमारे चैनल की। ये इसके बाद में ये देखिए, ये दो मशीन का सेट हो गया, इसके साथ ये ग्राइंडर मशीन लगती है। ये ग्राइंडर मशीन भी बहुत स्पेशल टाइप का है, इसमें धार लगनी है, पूरा एंगल बना हुआ है, एंगल डिग्री के हिसाब से आप इसकी धार लग जाती है। इसमें स्पेशल ये ग्राइंडर मशीन होती है, इसमें इधर तीन व्हील लगे होते हैं, इधर एक व्हील लगा, सिंगल व्हील लगा, इधर तीन व्हील लगा हुआ है। इसकी कटर की जो धार लगानी है, इसी हिसाब से जो एंगल सेट होता है, जो डिग्री की सेट होती है, उसी हिसाब से इसकी धार लग जाती है, कटर की धार लगाने के लिए। जो मशीनों का जो कटर होता है, इसकी कुछ दिनों बाद धार लगानी पड़ती है, इस मशीन में लग जाती है। इसके बाद में इसकी वर्किंग वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा। और इसके बाद में ये पॉलिशिंग ड्रम है, ये देखिए, ये हैवी ड्यूटी हमारा पॉलिशिंग ड्रम है। ये इसमें जो है उसमें स्क्रू जो होता है, पहले हेड बनता है, उसके बाद में इसको एक बार पॉलिश करना पड़ता है, जो उसको तेल लगा होता है वो निकालना होता है, एक बार पॉलिश करके फिर इसमें थ्रेड डलती है, चूड़ी बाद में डलती है, पहले हेडर पे बनेगा, फिर इसमें आएगा पॉलिशिंग ड्रम में, इसमें एक बार साफ करके फिर चूड़ी डलेगी। चूड़ी तभी डलेगी सही जगह, एक बार इसमें पॉलिश हुआ आएगा। इस ड्रम में ये पॉलिशिंग ड्रम है, ये भी पॉलिशिंग ड्रम है, इसकी भी वर्किंग वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है जी। Thank you.
इसके बाद में ये देखिए, ये मशीनें हैं हमारी बारबड वायर मशीन, ये कंडेदार जो खेतों में बाड़ करते हैं या कहीं भी आपने जंगल में या कहीं भी सड़कों में कहीं भी बाड़ करनी है, ये ऐसे इसका ऑटोमेटिक वायर लगता है, चार वायर इसको लगता है ऑटोमेटिक, ये बारबड वायर बन के ऐसे बन के इधर रोल होता जाता है, पूरा रोल बन जाता है इधर ऑटोमेटिक, इधर रोल बन जाता है, रोल बनने के बाद इसको उतार लो, दूसरा रोल फिर अपने आप बनता जाता है, जितने भी आपने 10 किलो 20 किलो 30 किलो का रोल बनाना चाहो वैसे बन जाता है, फुली ऑटोमेटिक ये भी मशीन है। इसके साथ एक जाली बनाने वाला भी हमारे पास मशीन है, उसका भी वर्किंग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बारबड वायर की भी आपको वर्किंग वीडियो दिखाएंगे। इसके बाद में अभी जाली बनाने वाली भी मेरे पास मशीन है, जो चैन लिंक फेंसिंग है, 2 इंची डब्बी, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची डब्बी बनानी है, उसमें जितनी भी डब्बी आप चौड़ी बनाना चाहो, जैसे पुलों में लगती है, खेतों में लगती है, जहाँ कहीं सड़क में लगती है, बहुत सारी पार्क में लगती है, जो कोई बाउंड्री वाल करनी है उसमें लगती है बारबड वायर चैन लिंक फेंसिंग जो है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये भी बहुत मतलब लगती है। आप इसमें मतलब ये दो मशीन का सेटअप लगा सकते हैं, एक ये बारबड वायर और एक चैन लिंक फेंसिंग का, इसका मैं वर्किंग वीडियो आपको दिखा दूँगा। और ये देखिए आगे फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये किल बनाने वाली है मशीन है, जो किल नेल कांटी बोलते हैं, जो मतलब आप कंक्रीट किल जो बोलते हैं उसको, वो भी मशीनें, ये सभी कंक्रीट वाली जो किल वाली जो है, लकड़ी में प्लाई में जिसमें लगती है किल लगते हैं, ये भी बहुत लगते हैं किल, इसकी भी डिमांड बहुत है। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी मशीन है, ये 2 इंची वाला मशीन है, इसमें भी रोल लगेगा, वायर जाएगी ऑटोमेटिक किल बन के, मैं इसकी वर्किंग वीडियो आपको दिखा दूँगा, इसमें भी किल बनते हैं, सभी तरह हर टाइप का किल बनता है। ये बड़ी मशीन का किल है, ये 4 इंची 5 इंची मशीन पर बनेगा, ये देखिए ये किल ऐसा नोकदार किल होएगा, पूरा इसका मत्था बनेगा, सही किल मतलब जो है चाइना किल, बम्बे नेल जैसे बोलते हैं, हर टाइप का किल इसमें बन जाता है। इसमें भी डाई चेंज करके वायर छोटा बड़ा कर सकते हो, पतली वायर मोटी वायर जो भी, 17 नंबर 18 20 22 मतलब आपका जो 12 नंबर 14 नंबर 8 नंबर सभी वायर की इसमें किल इनमें बन जाते हैं। ये देखिए ये मशीन छोटी मशीन है, 2 इंची का है। ये देखिए दोस्तों, ये 4 इंची वाला मशीन है, ये 4 इंची का बड़ा मशीन है, ठीक है। इसमें जो किल है, ये इसमें भी किल 4 इंची निकल जाता है, 4 इंची से छोटा मतलब 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची 2.5 3 4 इंची तक इसमें किल बन जाते हैं। ये 3 इंची का मशीन है, 3 इंची किल बनाना हो तो फिर इसमें 1.5 इंची 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची 3 इंची तक बन जाता है। जेकर 3 इंची का मशीन लोगे तो लास्ट 3 इंची तक बनेगा, जे 4 इंची का मशीन लोगे तो लास्ट 4 इंची बनेगा, छोटा किल उसमें बन जाता है डाई चेंज करके। उसमें वायर जैसे इसमें ये 4 इंची वाली है, इसमें 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर वायर का किल बन जाता है इसमें। और सड़कों इससे भी बड़ी मशीन जो है, मैक्सिमम इसके आगे 5 इंची 6 इंची 7 इंची 8 इंची तक भी मशीन हमें हमारे पास मिल जाती है किल बनाने वाली।
हमारे पास और भी इसके नेल के रिलेटेड जो है रूफिंग नेल होता है जिसके ऊपर टोपी लगी होती है, वो वैसी मशीनें भी हमारे पास मिल जाती है। नेल के मतलब रिलेटेड जितनी भी मशीन है हमारे पास, जैसे शूज में किल लगते हैं, मोची किल होते हैं, उसकी भी हमारे पास मशीन मिल जाती है, मोची किल वाली भी। और हमारे पास अब बाइंडिंग जो वायर है, जैसे बाइंडिंग वायर बोलते हैं जिसको आप, वायड्रा मशीन होती है, वायड्रा मशीन भी हमारे पास मिल जाती है जिसमें इसका रॉ मटेरियल बनता है। उसमें जैसे आप सीधा वायर चार नंबर जो 4 mm की वायर आती है, 4 mm 4 mm 5 mm की वायर जो है उसको ला के इसको 10 नंबर 12 नंबर गेज सभी बन जाती है उसमें रोल करके। कंटिन्यू मशीन होती है और वायड्रा मशीन कंटिन्यू से उसका जो भी साइज बनाना चाहें वायर का वो भी बन जाता है, वो भी मशीन हमारे पास अवेलेबल होती है। जो इसमें एक बाइंडिंग वायर आती है 22 गेज जो आती है, 12 नंबर से फिर आगे जो छोटी ब्रीक वायर बनती है 22 गेज, वो भी हमारे पास कंटिन्यू प्लांट है, उसका भी है, पट्टी भी है उसके साथ गर्म करके, वो भी आपको हमारे पास कंटिन्यू प्लांट जो है वो भी मिल जाता है। उसमें भी आप 12 नंबर से उसको 18 गेज 20 गेज 22 गेज वो बना सकते हैं आप, जो लेंटर में सरिया बांधते हैं जिस वायर से, वो भी वायर हमारे, वो भी वायर बनाने वाली मशीन है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो कंटिन्यू मशीन जो वायड्रा मशीन है, बाइंडिंग वायर जिसको बोलते हैं, कंटिन्यू जो मशीन है उसमें वो सेटअप लगा के अभी इसको कांटी वाली मशीन का भी उसका रॉ मटेरियल उसमें बन जाता है, और उसमें कांटी वाली सभी मशीनों का रॉ मटेरियल बन जाता है। जो बारबेड वायर है उसका भी बन जाता है रॉ मटेरियल, जैसे इसमें 12 नंबर 14 नंबर वायर लगती है इसका भी रॉ मटेरियल बन जाता है, और जो चैन लिंक फेंसिंग है उसमें भी 12 14 नंबर लगती है उसका भी रॉ मटेरियल बन जाता है। और जो नेल वाली मशीन है, जैसे ये कि अपनी स्क्रू वाली मशीन आ गया, अभी मैं स्क्रू वाली मशीन का आपको दिखा रहा हूँ, जो स्क्रू वाली मशीन का जो रॉ मटेरियल है इसमें भी, ये देखिए जिप्सन स्क्रू में जो है उसमें जो इसका जो लगती है वायर, ये भी इसका भी रॉ मटेरियल उसमें बन जाता है, इसका भी जो कंटिन्यू जो लगा के वायड्रा मशीन, ऐसा ऐसे वाली वायर जो है, जैसे 100,000 है इसका, 2.5 mm की वायर आती है, ये भी वायर बन जाती है उसमें, जिप्सन स्क्रू का मशीन स्क्रू कुछ भी आपका शीट स्क्रू जो आते हैं इसकी भी उसमें रॉ मटेरियल बन जाता है। जो उसका भी मैं वर्किंग वीडियो आपको इसके बीच में चला के आपको वर्किंग वीडियो दिखा दूंगा कि उसका भी रॉ मटेरियल आप बना सकते हैं सभी मशीनों का। जो मैं उसका वायड्रा मशीन आपको बोल रहा हूँ, कंटिन्यू वायड्रा मशीन, उसको लगा के आप पूरा सेटअप, उसमें किसी भी जो मशीन वायर के रिलेटेड कोई भी है उसका सभी का रॉ मटेरियल उसमें बन जाता है उन्होंने कंटिन्यू वाली मशीन में। और ये मैं दोस्तों मैं अभी फिर लास्ट में आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये स्क्रू वाली मशीन है, ये वाली जैसे 5 mm तो 50 mm स्क्रू बनता है, इससे बड़ी मशीन होती है जैसे 5 mm से 75 mm बनता है, 5 mm से 100 mm बनता है, बड़ी मशीनें भी होती है। इसके आगे हमारे पास जैसे 6 mm 8 mm 10 mm बोल्ट बनाने वाली जैसे मशीनें आती हैं, उसमें 3 बोल्ट बनाने वाली मशीन जो होती है उसमें 3 मशीन का सेटअप होता है। एक हेडर मशीन आता है और एक ट्रिमिंग मशीन आता है जिसमें उसका हेड जो ट्रिमिंग जो स्पैनर चाबी डलती है वो ट्रिमिंग होता है, फिर उसके बाद वो रोल थ्रेड एक लगती है। हमारे पास मतलब स्क्रू वाली मशीनें भी हैं 8 mm 10 mm 12 mm या बड़े 16 mm 20 mm तक 25 mm तक, मतलब स्क्रू वाली। आप हमारे पास वायर के रिलेटेड जो भी बहुत सारी मशीनें हैं हमारे पास वायर के रिलेटेड, और भी हर टाइप का जो वायर के रिलेटेड है हर टाइप की मशीन है, कोई भी आपको मशीन वायर के रिलेटेड चाहिए आप हमें व्हाट्सएप में, जो हमारे दिए हुए नंबर है कंपनी के वेबसाइट में भी है, सभी जगह नंबर है, जहाँ जो वीडियो है उसमें भी है नंबर, उसमें आप व्हाट्सअप करके उसमें अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं कौन सा मशीन चाहिए, हम उसका कोटेशन आपको भेज सकते हैं। और हमारी जो मशीन है बड़ी कंपनी है हमारी, तो इसमें कोई ऐसी को बात नहीं है, आप वीडियो कॉल करके भी आप मशीन देख सकते हैं, इधर हमारी आके फैक्ट्री भी देख सकते हैं, मतलब कभी भी कहीं से भी आप कोई ऐसी को बात नहीं है। आपको कैसे कई लोग बोलते हैं ऐसे कि हमने कभी देखा नहीं, नए आदमी हैं कुछ, कई मतलब ऐसे होते हैं कईयों को फ्रॉड होता है, लेकिन इधर ऐसा है कि हमारी इधर कंपनी है, आप सीधा आप बुकिंग कराओ तो आपको जो भी मशीन है टाइम टू टाइम आपको डिलीवरी होएगी। मैं अभी फैक्ट्री और भी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे हमारी मशीनें इधर असेंबल हो रही है, बन रही है, ये देखो ये जाने के लिए मशीन कुछ पैकिंग हो गई है, ये देखिए वुडन बॉक्स में पैकिंग होके, ये देखिए कितना शानदार पैकिंग हुआ है, ये देखिए इसमें पैकिंग होके बड़ी बड़ी दूर दूर तक वो केरला जाएगी, वो कहाँ जाएगी, ऑल ओवर इंडिया में हमारी सप्लाई है, कुछ एक्सपोर्ट भी होती है जैसे मशीनें। ये भी देखिए वुडन बॉक्स, ये ऐसे बोल्ट पैकिंग हुई है पूरी, है बोल्ट पैकिंग होके तो ऐसे पूरी पैकिंग हुई है। इसमें हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, मैं आपको फैक्ट्री भी दिखा देता हूँ। कई देखो जो
मैन्युफैक्चर नहीं होते, अपनी फैक्ट्री नहीं दिखाते, क्योंकि वो ट्रेडर होते हैं बहुत सारे कई लोग। हम तो मैन्युफैक्चरर हैं। हमारी ये देखो, ये ग्राइंडिंग मशीन है, ये इधर पूरा हमारी ये जो भी पार्ट है सभी इसमें ग्राइंडिंग होते हैं, इसमें कटर लगा हुआ, पूरे ग्राइंडिंग पार्ट होते हैं। ये देखिए, मैं इधर आओ, इधर आइए, मैं आपको ये देखिए, ये फैब्रिकेट हो रहा है, ये पूरा 3-in-1 जो मशीन है उसका फ्रेम बन रहा है। ये देखिए इधर जो सारी फैक्ट्री का जो बन रहा है, ये देखिए, ये बड़ी मशीन है, ये 3 इंची तक बड़े वाला हेडर है ये इसका, इसमें बड़े जो है 5 mm 75 mm तक जो है इसमें स्क्रू सभी बन जाते हैं। ये मैं दोस्तों अभी दिखा रहा हूँ, हमारी इधर जो फैक्ट्री में इधर विजिट करा रहा हूँ आपको मैं। ये दोस्तों देखिए, ये पूरी मशीनरी जो है बन रही है इधर हमारे, इधर बक्से ये हमारा फैक्ट्री एरिया है इधर, ये वाला, ये सारा इधर मशीनें असेंबल हो रही है, बन रही है। उधर जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो फिनिश गुड, उधर जो है उधर मशीनरी जो है वो फिनिश हुई, जो मशीनरी पेंट होके मशीनरी साडा उधर सारी इंस्टॉल हो रही है। ये देखो, ये स्क्रू वाली किल वाली जो बारबर वायर की है, इधर फिनिश गुड इधर है, बाकी फैक्ट्री एरिया हमारा उधर, मैंने आपको अभी दिखाया है। अभी मैं आपको दूसरा यूनिट एक और है वो भी दिखा रहा हूँ मैं, दूसरा हॉल है हमारा एक, उसमें अभी लेके जा रहा हूँ, जिसमें नोटबुक वाली मशीनें असेंबल होती है, पूरी हमारी बन रही है, दूसरे हॉल में मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इधर ये देखिए, ये कटिंग मशीन है पूरी, ये नोटबुक वाली जो है कटिंग मशीन है, स्टिचिंग मशीन है, जो मॉडल मैनुअल मॉडल है, ऑटोमेटिक मॉडल है। ये देखिए, ये स्टिचिंग मशीन है, ये पैकिंग वाली मशीन है। ये देखिए इधर, ये ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है सभी ये वाली दोस्तों। ये दोस्तों इधर जो हमारी ये भी इधर मशीन असेंबल हो रही है, ये देखिए ये बन रही है इधर हमारी मशीनें जो है, हम मैन्युफैक्चरर हैं खुद, ये देखिए असेंबल हो रही है। ये देखिए इधर भी ये मशीन असेंबल हो रही है, ये भी बन रही है नोटबुक वाली मशीन फुली ऑटोमेटिक। और हमारा ये देखिए, ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक बहुत बढ़िया, मैं आपको मशीन, बहुत बड़ी मशीन, बहुत बढ़िया नोटबुक बनाने वाला प्रोजेक्ट जो है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरे हॉल में अभी आए हैं हम, जहाँ हमारी नोटबुक वाली मशीनें सभी इधर रेडी होती है, ऑटोमेटिक प्लांट सभी इधर बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाली मशीन है फुली ऑटोमेटिक 4-in-1 मशीन। दोस्तों ये फुली ऑटोमेटिक जो नोटबुक वाली मशीन है 4-in-1, इसमें स्टिचिंग होएगा, इसमें मुड़ के फोल्डिंग होएगा, उसके बाद में इसमें एज स्केरिंग होएगा, आगे कटिंग होके फाइनल गुड्स जो है मतलब बन के इधर तैयार होके पूरी निकल जाती है बात। ये इधर जैसे 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी है, पूरी प्रोडक्ट बन के रेडी होके कटिंग होके निकलेगा, ऐसे पूरा फिनिश गुड एक ही मशीन में सारा काम हो जाता है। इसमें ये फुली ऑटोमेटिक मतलब प्लांट है, फुली ऑटोमेटिक एक ही मशीन में स्टिचिंग फोल्डिंग एज स्केरिंग कटिंग, ये 4-in-1 मशीन है। ये दोस्तों मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये 3-in-1 मशीन है नोटबुक के लिए, इसमें ये वाली मशीन है, ये भी सभी फुली ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज है, पूरी सर्वो ड्राइव पैनल है, टच स्क्रीन पैनल लगा हुआ है। दोस्तों ये मैं अभी सभी जो मशीनें आपको दिखाया है, इन मशीनों का जो भी रॉ मटेरियल है ये भी सारा हमारे पास मिल जाता है। रॉ मटेरियल भी लेना चाहे तो मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप पे, उसमें जो भी मशीन की डिटेल लेना चाहते हो उसमें व्हाट्सएप में मैसेज करो, जिस मशीन की भी डिटेल लेना हम उसकी कोटेशन भेज देंगे। और उसमें जो कोई भी आपको इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है किसी भी वायर के रिलेटेड, या नोटबुक वाली या कुछ और जो भी आपको बिजनेस करना है उसके रिलेटेड जो भी क्वेरी है हमारे व्हाट्सएप में, उसमें लिख के भेजो और हम उसका जो भी है आपको सारा कुछ हर चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। और आपका हमारे चैनल में को देखने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारी जो वीडियो आती है उसको सभी देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहो। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।